कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने विषम परिस्थितियों में साथ निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। जिला कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा की अध्यक्षता में अनुभाग पांचमल में स्थित कॉलेज में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, स्वास्थ्य विभाग की नर्स दीदियां, डॉक्टर्स एसोसिएशन, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, कोरोना क्राइसिस कमेटी के सदस्यगण, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारगण, जनपद पांचमल के सीईओ एसडीएम श्री सुमेर सिंह मुजालदा जी, तहसीलदार श्री राकेश सस्तिया जी, एवीडी कर्मी एवं अनेक जनप्रतिनिधियों ने सहयोग प्रदान कर कोरोना की महामारी से निपटने में शासन प्रशासन की सहायता की। उसके तहत जिला कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा जी के अध्यक्षता में अनुभाग पांचमल स्थित कोरोना योद्धा सम्मान आयोजन का पांचमल में समागम किया गया। कॉलेज हॉल में सभी विभागों से अधिकारी कर्मचारी गण, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान की परवाह करते हुए कोरोना महामारी से निपटने में मैदानी स्तर पर मोर्चा संभाला था, पूरा हाल माननीय कलेक्टर महोदय को सुनने के लिए खचाखच भरा था। वही कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यगण एवं मीडिया के साथीगण भी उक्त कार्यक्रम में उपस्थित थे। यूनिट इंडिया के प्यारे दर्शकों से मैं ज्ञानेश्वर लाड़ निवेदन करता हूं कि उक्त कार्यक्रम इतना विशालकाय बड़े स्तर का था कि सभी विभागों के कर्मचारियों के नाम इस समाचार की कड़ी में एक साथ नहीं लिए जा सकते, और जिसके कारण समाचार की जो महत्व होता है, उसकी जो आत्मा होती है, वो यथावत नहीं रहेगी। इसके लिए जो भी कवरेज संक्षिप्त में वर्तमान समाचार के लिए समायोजित किया गया है, कृपया कोई भी दर्शक या समाचार में महत्व रखने वाला व्यक्ति उक्त समाचार से असंतुष्टि जाहिर न करे एवं यूनिट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर और आने वाले समय में आगामी समाचार किस प्रकार के होने चाहिए हमें मार्गदर्शन कर समर्थन करें। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए पांचमल विधानसभा से ज्ञानेश्वर लाड़ की रिपोर्ट। नवागत एसपी महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला जी ने भी उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पांचमल क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कोरोना महामारी के कंट्रोल के संबंध में अगर किसी ने जितोड़ मेहनत की तो उसका श्रेय सभी विभागों को जाता है। सभी कर्मचारी दिन रात अपनी व अपने परिवार की परवाह किए बगैर कोरोना महामारी को
समूल खत्म करने में लगे थे एवं राजस्व विभाग के तहसीलदार सम्माननीय श्री राकेश जी सस्तिया एवं एसडीएम श्री सुमेर सिंह मुजालदा जी एवं अतिरिक्त तहसीलदार श्री हुकुम सिंह मेघवाल जी, जिला कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा जी के निर्देशन में दिन रात मेहनत कर अस्पताल में इतनी हमारी लोड था, हमारे डर लगता है, चिंता बिल्कुल पहुंच गई। पहले हफ्ते में अप्रैल में सूचना मिलने लगी कि इसको कोरोना हुआ, वो चला गया, वो चला गया, हमारे 20 से लोग खतरनाक सारे में जो लोग आए पूरा कोरोना के बढ़वाने में आ चुके हैं। और सबसे ज्यादा प्रभाव 5 सेवा सूचना होगा और वो सेवा हम लोगों ने कोरोना काल में की है। मालूम है अभी निकला है, जो चीज बताई थी हम बहुत चिंतित थे, मालूम था होली का टाइम 28 मार्च, बबूलिया सिस्टम 21-22 टाइम के सब मंजूर लोग जिले में आ रहे थे। वो भी सरकारी लोगों को भी जॉब को और सेवा का मतलब नहीं थी, एक होता है और होता सेवा जॉब क्या है। तो सबकी जीत दौड़ में वो सबके मन धीरे धीरे थी, अब सभी जीत गई। आरएस का जो सम्मान समारोह पूरे 500 में सब्डिवीजन का सम्मान समारोह है और इसमें खेतिया पानसेवल निवाली ये तीनों नगरीय निकाय, इसके अलावा पूरा ग्रामीण जो क्षेत्र है हमारा जिसमें सारी पंचायतें उनके अधीनस्थ जो भी पूरा एरिया है इसके सारे अधिकारी कर्मचारी जिनके द्वारा कोरोना में बेहतरीन काम किया हुआ पूरे
बड़वानी जिले में सबसे प्रभावित क्षेत्र पानसेवल, ये पूरा कोरोना की वजह से बहुत प्रभावित था, परंतु यहाँ की टीम के अथक प्रयास से कोरोना की जो दूसरी लहर को नियंत्रण करने में बहुत सफलता मिली। और इसके साथ साथ में चूंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन का भी बहुत अच्छा काम हुआ, पानसेवल और खेतिया दोनों नगर पंचायत में जिले में सबसे पहले 100% टीकाकरण कराया गया और कई पंचायतों ने द्वारा भी 100% टीकाकरण कराया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज पूरे इस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और पूरे ज़िले में हम लोगों ने 4 सब डिवीजन में इसका कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह रखा था। पहले हमने बड़वानी का रखा था, सेंधवा का रखा था, राजपुर का, और अब इसके बाद में 5 साल का रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जिस टीम भावना से इन लोगों ने कोरोना में और वैक्सीनेशन में काम किया हुआ है, भविष्य में आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। अभी इस क्षेत्र में जो भी वैक्सीनेशन का काम बचा हुआ है उसके लिए हमारे 10 तारीख को और 17-18 तारीख को वैक्सीनेशन का महाअभियान भी है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जो लोग छूटे हुए जिनका प्रथम डोज लगा हुआ है उनका 70% डोज लगवाएं और जिनका दूसरा डोज डी हो गया वो भी अपना वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि तो हमारा जो पान से मतलब खेतिया ये क्षेत्र पूरा महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, सबसे पहले दूसरी लहर का प्रभाव यहीं पर आया था। अब जब भी यदि कोरोना के केसेस की फ्यूचर में कभी आशंका रहेगी तो इसी क्षेत्र से रहेगी। यदि हम लोग सभी 100% वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो हम कोरोना से इतना प्रभावित नहीं होंगे जितना पहले हुए थे। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा इस पूरी इस क्षेत्र में जो अधिकारी कर्मचारी टीम के साथ साथ हमारी कोरोना जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, चाहे वो खेतिया की हो, पानसेवल की हो, निवाली की हो, और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, सभी लोगों ने बेहतरीन काम किया। मेरी ओर से उनको मैंने आज सम्मानित तो क्या किया है, हम लोग खुद सम्मानित महसूस हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में अच्छा काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आपने चार्ज कब से लिया सर? मैं देखिए बड़वानी ज़िले में परसों आ गया था और कल से मैंने अधिकृत तौर पे अपना कार्यभार ग्रहण किया है और आज पानसेमल सब डिवीज़न में आने का मौका मिला है। इस क्षेत्र को आज हमने देखा है, जाना है और एक यहाँ पे आपके बीच में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सर, आपके नेतृत्व में जिले की सुरक्षा की दृष्टि से क्या रहेगी? निश्चित तौर पे हमारी जो पूरी टीम रही है पुलिस की, पिछले विगत एक साल में काफ़ी अच्छा काम किया है अलग अलग दिशाओं में, उस काम को हम जारी रखेंगे और उसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बड़वानी जिले में पाकर कैसा महसूस करते हैं? बड़वानी जिला बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जिला है। मैं जब से आया हूँ प्राकृतिक सुंदरता और बारिश का लुत्फ ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी अच्छा मौसम रहेगा। सभी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है तो सबके साथ मिलकर हम इस जिले की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद।